किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पहले भाव लगन पर, गुरु और मंगल हो ऐसा जातक धनवान अमीर घराने में जन्म लेता है, अगर गरीब घराने में जन्म ले ले तो अमीर बन जाता है। ऐसे जातक की धन जिम्मेदारी धन बेशुमार धन दौलत और बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद भी होती है ऐसे जातक के पास। लेकिन याद रखना, ऐसे जातक को जब भी कभी अपनी बहन बुआ बेटी का धन अपने पास रख लिया, दिया नहीं किसी भी तरीके से, तो फिर जीवन नीचे की तरफ, फिर अमीरी गरीबी में बदल जाएगी। याद रखें, अगर किसी की जन्म कुंडली में खाना नंबर एक में गुरु और मंगल हो और सात में भाव में बुध आ जाए कुंडली के बीच में, या बुध बैठा हो जन्म के समय का, तो फिर ऐसे जातक को अमीर की बजाय गरीबी की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन किसी लाल किताब के जानकार व्यक्ति से संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, जो आपके शहर में नज़दीक में हो, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर दो, जिस जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में गुरु और मंगल होगा, ऐसा जातक जब भी कभी लोक कल्याण के काम करे, देश के प्रेम में काम करे, तो ऐसे जातक की भाषण देने की जो कला होगी, ऐसे जातक के भाषण में इतनी कला होगी कि लोग उससे मोहब्बत करेंगे, वो जनप्रिय होगा, उसके पसीने की मामूली सी भी गंध आने से लोग अपना खून बहा देंगे। क्योंकि खाना नंबर दो वाणी का भी है और गुरु और मंगल दोनों नर ग्रह पुरुष ग्रह हैं। जब आदमी बोलेगा ऐसा जातक, तो उसकी आवाज में ईश्वर की दी हुई कला होगी और उसकी आवाज पर, एक आवाज़ पर लाखों लोग अपना खून बहा देने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत ही बड़ा देश प्रेमी, कौम प्रेमी, धर्म प्रेमी ऐसा जातक होता है। और ऐसे जातक को हमेशा ही गरीबों की सेवा करते रहना चाहिए, मजदूरों की सेवा करते रहना चाहिए, और जितनी सेवा करेगा उतना धन और दौलत और शोहरत और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसी तरह से खाना नंबर तीन, जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु और मंगल तीसरे भाव में हो, तो ऐसा जातक बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, वो पूजा पाठ के नियमों में एक आदित्य रूप होता है, वो ईश्वर की भक्ति का बहुत ही प्रेमी होता है, वो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बेशुमार रखता है। और ऐसा जातक अपने पूर्वजों का, अपने पिता दादा का, अपने बुजुर्गों का धन हमेशा संभाल के रखता है, उनके दिए हुए धन या उनसे प्राप्त हुआ धन दौलत जमीन जायदाद उसको कभी भी खर्च नहीं करेगा, व्यय नहीं करेगा, बिना वजह से उस जमीन जायदाद को नहीं बेचेगा, चाहे उसमें और डाल दे और तरक्की कर ले, लेकिन अपने बुजुर्गों की दी हुई धन दौलत की हमेशा हिफाजत करेगा और दौलत को बढ़ाता भी चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में लासानी आदित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति भाव का व्यक्ति होता है। और ऐसे जातक को कितने ही बुरे ग्रह और हो कुंडली में, उसको बुराई प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जितनी पूजा पाठ करता चला जाएगा, जितना ही मंदिर में गुरुद्वार में अपने किसी भी धर्म स्थान में जाता रहे, तो ऐसे जातक को दीन दूनी रात चौगुनी
तरक्की प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा जातक जन्म कुंडली में जब इस तरह का योग लेके पैदा होता है वो एक आदित्य ही होता है। ऐसे जातक को सब उस पर मेहरबान रहते हैं, उसकी बात को मानते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, कभी भी अपने भाइयों को, भाई भतीजों को किसी भी तरह से उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर वो लड़ाई झगड़ा करें भी तो माफ़ करता चला जाए किसी भी तरह का, तो फिर उसके जीवन में कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी। ये लाल किताब एक इतनी आदित्य रूप है। और इसी तरह से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।